92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग राम लीला। राम 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 कहो राम 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 जपो राम 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 कहो राम राम राम। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरुति मन भावन। श्री राम को सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाता देख सारी अयोध्या व्याकुल हो उठी। प्रभु राम मत जाइए, रुक जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। हर आंख में अश्रु थे, सभी उन्हें रोकते हुए केकई को कोस रहे थे। अरे केकई माता को अचानक क्या हो गया जो इतनी निष्ठुर बन रही है? अरे वह तो अपनी ही आंखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत फेंक कर विष पी रही है। इतनी कुटिल कठोर और अभागनी के कई रघुवंश रूपी वन के लिए आग बन गई है आग। लेकिन मुझे विश्वास है कि भरत जी ऐसे नहीं हैं। देख लेना, जब वे ननिहाल से लौटकर आएंगे तब जरूर श्री राम को वापस ले आएंगे। हे विधाता ऐसा ही हो, भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान है। बिल्कुल सही है, चंद्रमा चाहे आग बरसाने लगे और अमृत विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से केकई को कोसते हुए अयोध्या वासियों ने श्री राम को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं रुके। आगे मार्ग में उनकी भेंट निषाद राज गो से हुई। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए बिग राम लीला। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए बिग राम लीला, श्री राम की कहानी बच्चों की जुबानी। राम 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 कहो राम 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 जपो राम राम।